भाई को बोल रहा है कट कट काट दिया मंगवा दूंगा गुच्ची फ्लोरा तो गुच्ची फ्लोरा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए की हवा चल रही है। तो कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। तो भाई कल भी व्लॉग नहीं थका हमारा यार, क्योंकि अचानक से मौसम थोड़ा बदल गया था, मैं कहीं जा थका नहीं, थोड़ी बारिश हो रही थी, मैंने कहा यार आज दिखते थकते नहीं है व्लॉग बनाने का, बाहर जाएंगे फंस जाएंगे, इसलिए हमने कल व्लॉग नहीं बनाया। तो आज थोड़ा मौसम हो रहा है खुशगवार मौसम बहुत, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा देख ले लिया, मैंने कहा अल्लाह मालिक यार अगर देख लेंगे अगर ज़्यादा नहीं बारिश हुई तो चले जाएंगे, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो फिर नहीं जाएंगे यार, क्या करें मजबूर है। सो नाश्ता लग चुका है हमारा भाई, नाश्ता करते हैं। नाश्ते में की मैं आया हूँ पराठा और चाय, नाश्ता करते हैं फिर कंटिन्यू कर देंगे। देखिए आज भी देखें एलईडी चल रही है बाबा घर में, आज ये न्यूज़ पर चल रहा है कि एलईडी बाबा ने चलाई है। हमारे घर का यही है भाई, एलईडी 24 घंटे ऑन रहती है, जो भी चला रहा है ना वो चला के चला जाता है बस। तो भाई अब हम जा रहे हैं मॉल, क्योंकि आज कहीं जाना नहीं है मुझे, आज की मेरी बात हुई है तो उसको कहीं जाना था तो वो घर पर नहीं आज, तो इसलिए आज से मॉल जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है, फ़ोन आया मॉल से, तो इसी मैंने वहीं मॉल जाके थोड़ा व्लॉग बना लेंगे हम अपना, जो काम वो भी कर लेंगे, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं मॉल जा रहे हैं, मॉल चलते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मेहमान भी आ रहे हैं घर में हमारे यार सिंध से जखमाबाद से, तो इसलिए मैंने कहा यार उससे पहले निकल जाओ बेहतर है, चले चलते हैं बस। तो ये हम आ गए हैं मॉल, कुछ सामान लेना था और कहीं जाने को था नहीं, मैंने मॉल आना था काम से, मैंने यहीं व्लॉग बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, तेरे पास कोई और रास्ता है कर दीजिए, निकालो वो परफ्यूम दिखाओ पहले तो मुझे, तुम कहाँ है मेरा वो पता है ना कौन चाहिए मुझे, अरे मजाक मस्ती नहीं यार, ब्यूटी चैनल नहीं है संभाल था तो मैंने ये अलग कर दिया था, ये संभाल छुपा शेल्फ खाली पड़ा हुआ, लेकिन ना यहाँ पे रखा हुआ साइड में तो वो गाय मेरी चैनल गाय मेरा वो नहीं है ना, बोला था रखने का तुझे, मैंने बंद हुआ जब तू दुबई जाएगा मेरे लिए भेज दियो वहां से, सही सही है ना, अच्छी स्मेल आ रही है, पैसे भी निकाल दे मेरा, कोई पॉइंट्स वाला यार पॉइंट्स नहीं है ना, नहीं है कुछ भी नहीं है, वेट पे जाके दुकान में कुछ भी नहीं होगा, शैंपू वगैरह ले लो, शैंपू काम आएंगे हैं, साबुन वगैरह शैम्पू दे दो साबुन नहीं दे, ये एलोवेरा शैम्पू है एलोवेरा जेल, ये आप अपने हेयर पे भी यूज कर सकते हो, वो तो मुझे बोलते थे पेंटिन निकाल दिया लेट नाइट खुले यार, लेने फायदे पता है क्या है, देने नहीं पड़ते पैसे में फ्री में चीज मिल जाती है, इसलिए मैं ही आते हैं लेने के लिए, ये ले जाइए ज्यादा पीस हैं तो, स्पेयर तो नहीं है ना, नहीं पक्का फेस पे नहीं है तेरे पास, चलो रख दो वैसे ये दोनों कर दो, ये कितने का हो गया परफ्यूम अब दे दे यार जो दिल करे देने, कुछ भी नहीं है देख लगन पूछ रहा हूँ पैसे नहीं दूंगा पता है, पैक कर फटाफट बाद में करेंगे 12,000-13,000। रियान भी अगर देख रहे हो ना, रियान भी मैंने दो सामान लिए वो बाद में कर लेंगे, सही है यहाँ देखो मैंने बता दिया, फिर भी आप भी सुन ले, जेब में डाल के ले जाना यार, शॉपर दे इंसान की कुछ पर्सनैलिटी होती है यार, तुम लोग शॉपर में ले जा, शॉपर नहीं है ना मेरे को खत्म हो गया, शॉपर भी नहीं है क्या वो उठा देना किस चीज के शॉपर, चलो मैं दुकान से लेके आता हूँ, अपनी दुकान से लेके आता हूँ। A few moments later. तो हम जा रहे हैं बेबी वर्ल्ड में, ये दुकान वो दुकान है जहाँ से मेरी ना बहुत सारी याद जुड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, काम कर रहे हो यार, ये उजैर भाई के कार्ड नाम है सारे जो हमें समेटने पड़ते भाई, ये वो दुकान है जहाँ पे मैं बिल्कुल टूट चुका था, टाइम आया था 2 साल पहले, बिल्कुल टूट गया था मैं, मतलब इतना कुछ मसले हो गए थे बिजनेस वगैरह के भी और भी कुछ इश्यूज हो गए थे, तो मैं तुम्हें बिल्कुल टूट गया था, मॉल छोड़ने पर आ गई थी बात, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं मॉल। तो ये वो दुकान है जहाँ पे ना पहले रेनोवेशन चल रहा था दुकान में, चारों तरफ ना प्लास्टिक लगी हुई थी, बिल्कुल अंधेरा होता था और मैं दुकान में ना अकेला बैठा होता था, ना घरे बताया मैंने आज तक ना कुछ जिक्र करा, लेकिन मैं घर से निकलता रहा होता ना कि मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, लेकिन मैं यहाँ पे आके इस जगह बैठ जाता था, आके यहाँ पे लेटा रहता था बैठा रहता था, ये सब रारी स्टोरी ना देखोगे पता है,
अहमद भाई को पता है, झांदे को पता है, जो मेरे साथ में ना वो करीबी थे मेरे, जो बहुत क्लोज थे मेरे, इन सबको स्टोरी पता है मेरी है। वो बस ऐसा हो गया था ना मेरे ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी, लेकिन रोजाना मॉल रेगुलर आता था, जॉब पे जा रहा हूँ ऐसे में लाजमी आता था, यहाँ पे आके बैठा रहता था, लेटा रहता था अंधेरे के अंदर ही, पूरी दुकान में अंधेरा था, लाइटिंग वाइट कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पे आके बैठा रहता था। तो यहाँ निकले, खाना खाने चले गए, नमाज पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ के आए, तो इस तरह का वक्त मैंने गुजारा है मॉल में। और ये दुकान मेरी ना साथी थी इस चीज़ की, है ना, थोड़ा याद है ना तुम्हें? बिल्कुल याद है मुझे। और सामने अहमद वाली तो होती थी, तो अभी तो क्लोज हो गई है, मेरे को काम वाम चल रहा है, रेनोवेशन भी जारी है शायद इस वजह से, तो वहाँ बैठा रहता था जाके, मैं एटीट्यूड के अंदर जाकर लेटा रहता था, एटीट्यूड के अंदर नीचे दिखाता हूँ कहाँ लेटता था मैं। आड़ू हाँ आ जाओ इस जगह पे, यहाँ पे ना सिर्फ स्पेस में लेटर रहता था मैं, तो जहाँ दिन में साथ दिया था मेरा। ये हमारे एहतिशाम भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ठीक अल्लाह का शुक्र, सिर्फ व्लॉग ही नहीं खत्म होता ये। आड़ू आड़ो को लोग बोल रहे भाई, इसको लिया करो, कुछ नहीं तो ये 5 दिन में कोई 10-15 जो है ना पैंटीन और कौन सा भाई को बोल रहा है ये काट 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 दिया भाई, परफ्यूम लेने आया था गुच्ची मांगा भाई, मैंने वो मांगा था गुच्ची मांगा, नरगिस ले जा, नहीं नहीं स्प्लेंडर ले जा, अच्छा वो चाहिए, मैं वो ब्लू चैनल यूज करता हूँ अपने यार में, लेकिन है ही नहीं, दूसरा चिपका रहा है मुझे 12 बार वाला, नहीं भाई मैंने शैम्पू ले लिया और फेस वॉश ले लिया दूसरा वाला, बस वो बेकार है, मेरे काम का भी नहीं, वो एक्सपेंसिव पड़ रहा थोड़ा सा मुझे, आओ देखा एडमायर भी चले थोड़ा वहाँ भी चले, जिसके कर्ज है ना जानजिब पे, तो वो यहाँ पर आए और जानजिब की दुकान से जो दिल चाहे वो ले ले अपने पैसों में, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा भाई, काम नहीं हो रही, रिनोवेशन में जा रही है, आ जाओ आओ। और ये है भाई हमारी एडमायर शॉप, जहाँ मैंने पूरे अपने 4.5-5 साल इस शॉप पे दिए मैंने, कितने आए कितने चले गए मेरे सामने, कितने सीनियर लोग थे, कितने लोग थे जो मेरे सामने थे, वो सब मेरे सीनियर भी थे, कुछ बहुत 10-10 साल पुराने लोग थे, सब चले गए लेकिन मैं नहीं गया था यहाँ से। तो फिर मैंने आखिरी जब दुकान ओपन कर ली अपनी, फिर मैं चला गया यहाँ से, मैंने कहा भाई अपनी दुकान संभालेंगे, थोड़े मसले हो गए तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, उस वक्त गवाए उस वक्त जब आए थे मैं कहाँ पे था, मुझे भाई 4-5 साल मैंने दिए उस दुकान पे, कितने ऑनर बदल गए, हमें 3-4 ऑनर बदले लेकिन मैं नहीं गया, सबके साथ में जुड़ा रहा भाई, क्योंकि कोई कस्टमर आते थे ना पुराने कस्टमर, वो भी आगे मुझे पहचानते थे यार ये वही बच्चा है जो वहाँ पे होता है, अक्सर कस्टमर आज भी मेरे पास जुड़े हैं। हमारा काम को चल रहा हो देखा, व्लॉगिंग व्लॉगिंग चल रही नहीं चल रही तुम्हारी यार, पैसों के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों क्या हुआ, यही परेशानी है मिडिल क्लास लोगों की भाई, क्या परेशानी है, बैठ रहा हूँ तो मेरे जहन में आ रहा है पैसे कहाँ से आएंगे, अब मैं देखो यहाँ जाके ये मोबाइल में लगूंगा ना तो यूट्यूब पे सर्च करूंगा कि पैसे कैसे कमाऊंगा, यार बहुत ना स्ट्रगल करो देखा नहीं मेरे सामने की बात है, और इसी जगह से जगह मैं आपको बताता हूँ, एक ये जगह और वलीद भाई की ये जगह थी, मेरी ये जगह थी, इस जगह पे हमने सिवाय दुबई के कोई और ख्वाब देखा ही नहीं था। Once more. A few moments later. इनसे मिले भाई, ये हमारे फुरकान भाई सीनियर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो भाई ये वो जगह है, ये वो काउंटर है जहाँ हमारा सुबह का नाश्ता होता था शेब भाई के साथ, क्या शेब भाई वाले सलाम, कैसे हैं आप? तो यहाँ पे ना हम नाश्ता करते रहे सुबह जब आते थे ना मॉल, तो यहाँ हम सारे बेड के हट्टे होकर ना नाश्ता करते रहे शेब भाई के साथ, शेब भाई की मोहब्बत में, शेब भाई करके नहीं आते थे रोजाना, तो हम यहाँ सारे बेड के ना नीचे सारे मिल नहीं रहते थे ना, हैं ना। हाँ शेब भाई ना अपनी फैमिली थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि वो उनकी फैमिली थोड़े घर कहाँ किस साइड में, नॉर्थ साइड रहती है, वो शेब भाई ना इधर रहते हैं अपने चाचू के घर पे, आने जाने का ना बहुत मसला होता है इनको, तो हम सारे ना यहाँ बैठ के नाश्ता करते थे 5-6 लड़के मिल के यार रोजाना, ये वो जगह है। और शेब काम कैसे चल रहा है? चलो बस शुक्र अल्लाह का। आज मैं आपसे वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ होती थी मॉल में, जो मैं आपसे पूरी अपना जर्नी शेयर कर रहा हूँ मॉल की। यावर भाई भी आ गए हमारे, ये यावर भाई हैं हमारे, वालेकुम सलाम, कैसे यावर भाई कैसे हैं आप? सुनाए शुक्र अल्लाह का। यावर साथी हमारा बहुत पुराना साथ है, मैंने जब से मॉल आया था मेरे से पहले का यावर है ये हमारी, जो हम साथ घूमते फिरते थे, बारिश हो रही कुछ हो रहा, तुम लोग बाहर जा रहे हैं भाई नहाने के लिए, वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, गाने डालने, वीडियो कहीं जा रहे हैं, खाना खाने, हम सारे ना चेंज जाते थे साथ, यावर पुराना साथी है हमारा, 5 साल मैंने गुजारा यावर, कितना टाइम हो गया मॉल में?
2013 से 2022 9 साल हो गए आज माशाल्लाह से अबर को देखते हैं और माशाल्लाह इनको 3 दिन हुए नहीं नहीं उनको ले सकते ना लड़कियों का मामला यार नहीं ले सकते A few moments later. हम लोग अब 10 सब जा रहे हैं घर ये मौज बहुत हो गया है और मैं काम से आया था तो मैंने कहा था ब्लॉग बना लेता हूँ क्योंकि आज मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था उसके पास आते मेरे बेचारा यू तो बता खड़े जा रहे थे चट्टा वट्टा चप्पल वप्पल बंद करो हाथ जोड़ के मैं तैयारी करके आया था बारिश की है बाल अच्छे होते भाई के आपके बहुत आज माशाल्लाह से अलग ही दिखने से इनकी बाल आज खोलो बेटा अब मिलते हैं आप लोगों से घर जाके बस तो भाई मैंने आते हुए अपने लिए शवरमा ऑर्डर कर दिया था तुम्हारा शवरमा आ चुका है अब खाते हैं अरे दाल अब खाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं तो भाई यहाँ पे एक मसला भी हो गया मेरे साथ अम्मी ने मारी बिरयानी और मैं आते हुए शवरमा ऑर्डर करता हुआ आ गया अब मजबूरी ऑर्डर कर दो खाना पड़ेगा फिर अम्मी ने मुझे आकर बताया कि मैंने बिरयानी बनाई थी भाई आज अब जाहिर सी बात है दिल तो नहीं मर सकते ना अपना वो तो दिल चाह रहा है बिरयानी खाने का क्योंकि 2 दिन से अम्मी को बोल रहा था अम्मी बिरयानी बनाए अब आज बनी है तो फिर मैं ऑर्डर करके बैठ गया अब अम्मी का दिल तो थकते भी नहीं है बोलेंगी बिरयानी बनाने का बोल रहा था अब जब मैंने बिरयानी बनाई है तो खा पार से ऑर्डर करके बैठ गया चलें नाइट शिफ्ट लगाएंगे उसमें खा लेंगे कोई मसला नहीं है अम्मी का दिल तोड़ेंगे नहीं अपना दिल नहीं तोड़ेंगे खा लेंगे रात में A few moments later. घर में मेहमान वगैरह भी आ गए थे अम्मी ने कपड़े वगैरह धोए थे सफाइयाँ वगैरह चल रही थी कपड़े वगैरह धोए थे अम्मी ने मेहमान आ गए अचानक से सिंध से आए थे उनको कहीं जाना था तो हमारे घर भी आ गए थे जकमाबाद से लोग आए हुए थे जिसने मॉल चला गया था मुझे फ़ोन आ गया था अर्जेंट मैंने कहा भाई चलो मॉल चलते हैं आज को व्लॉग मैंने बनाया था मैंने कहा आज जाके मॉल जाके व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैंने किस चीज़ से टाइम गुजारा है मॉल में कहीं भी काम करते हैं कुछ भी करते हैं ना दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखें एक ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर और आप झूठ ना बोलें तो आप कामयाब हैं इस तरह मैंने जिंदगी गुजारी अपनी वहाँ पे भाई 4-5 साल मैंने गुजारे हैं एट्रियम के अंदर जॉब भी करी फिर मैं शॉप करी तो लेकिन एक क्वालिटी थी मेरे अंदर मैं झूठ नहीं बोलता था और एक कोई ईमानदारी थी बस इस वजह से देखें इतने लोग थे कितने लोग आए थे लोग चले गए लेकिन मैं कहीं नहीं गया था आपसे शेयर करा मैंने जैसे तो इस पर काम करें इंशाल्लाह आप आगे कामयाब अल्लाह पाक आप कामयाब करेगा आपके अंदर दो चीज़ें होती हैं ना देखें आप चोरी नहीं करते ईमानदार होते हैं झूठ नहीं बोलते तो अल्लाह पाक भी आपको दिल देख के नीयत देख के आपको कामयाब करता है तो इस तरह अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब करा तो आज मैं आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सो इसी के साथ इस व्लॉग को ये एंड करते हैं उम्मीद है आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें भाई को अपने कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय